نحمدو نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین شوگر یا تو موت دیتی ہے یا موت جیسی زندگی ناظرین شوگر آج کے دور کا ایک عالمی مسئلہ ہے یہ ایک ایسا موذی مرض ہے اور جان لیوا مرض ہے اگر اس پر بار وقت काबू ना पाया गया तो नतीजा मौत की सूरत में निकलता है। नाज़रीन शुगर 21वीं सदी की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। खतरनाक बीमारियों में अगर हम इसका शुमार करें तो शुगर का शुमार 5वें नंबर पर होता है। यह बीमारी अब तक 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिसर्च के मुताबिक 194 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अगर अब भी इस मर्ज पर काबू ना पाया गया तो 2030 में इसकी तादाद 360 मिलियन से तजावज कर सकती है। नाज़रीन हम खुराक में जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे निज़ामे इन्हज़ाम में जाकर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, जिससे हमारा जिस्म तवानाई हासिल करता है, लेकिन शुगर के मरीजों में ग्लूकोज बनने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वो अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए ढेरों एंटी डायबिटीज अद्वियात और इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा भी कई टोटके इस्तेमाल करते हैं और वो इन तमाम तर अद्वियात को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं और सारी जिंदगी इन्हीं के सहारे गुजार देते हैं। नाज़रीन ये मेडिसिन वक्ती फायदा तो देती हैं मगर जैसे ही इनका असर खत्म होता है शुगर का लेवल फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इन वक्ती फायदों के चक्कर में इंसान का जिस्म अंदर से खोखला कमजोर और लागर हो जाता है। क्या आप भी वक्ती फायदा देने वाली ढेरों अद्वियात और इंसुलिन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि इन अद्वियात को ज्यादा इस्तेमाल करने से किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर जैसे जो अमराज हैं, जो अमकानात हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और जख्म बढ़ते बढ़ते जख्म जो है शुगर वाले इंसान को जब जख्म हो जाता है, जख्म ना भरने की सूरत में नौबत हाथ या पांव काटने तक पहुंच जाती है। तो खुदा के लिए इन वक्ती फायदा देने वाली अद्वियात को छोड़कर मुश्किल हालात की तरफ आए और आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और आज ही न्यूट्रास्यूटिकल लैब लाहौर से मंगवाएं मोरिंगा मसाला टी और शुगर क्योर कैप्सूल। उनके इस्तेमाल से हजारों नहीं लाखों लोग शफा पा चुके हैं। मोरिंगा के मुस्तकिल इस्तेमाल से बहुत से मुजी मर्दों से बयक वक्त बचा जा सकता है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीकों से मोरिंगा इस्तेमाल कर रहे हैं और शफा अल्लाह ताला उनको शफा दे रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त 80 मिलियन डॉलर की मार्केट मोरिंगा के पास है। तो नाज़रीन सूबा पंजाब में जिला पाकपतन शरीफ में हमने मोरिंगा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और इस कंपनी के पास अपनी जरी जमीन भी है जिसमें ये मोरिंगा के अलावा दीगर जड़ी बूटियां भी काश्त करती है और फिर इससे कई बीमारियों के इलाज के लिए हर्बल मेडिसिन तैयार करती है। तो नाज़रीन हमारा आज का मौजू जो है वो शुगर की बीमारी है जो हमने डिस्कस की और आइंदा फिर कभी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये है हमारा मोरिंगा मसाला टी, ये लिखा हुआ है मोरिंगा मसाला टी और इस पे इसके सारे जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो चीजें हम डालते हैं वो लिखी हुई हैं और इस पे हमारा फोन नंबर भी दर्ज है, कंपनी का एड्रेस भी इस पे दर्ज है और ये देखें ये हमारी मोरिंगा मसाला टी है। और ये जो है जो मैंने आपको बताया कि शुगर क्योर कैप्सूल, ये जो है ये हमारे शुगर के कैप्सूल हैं
ये अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो कैप्सूल है ये शुगर के लिए कैप्सूल हम बनाते हैं मुरिंगा से और दीगर जड़ी बूटियां इसमें शामिल करते हैं और फिर ये कैप्सूल हम जो है वो तैयार करते हैं। तो आज भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और ये जो मुख्तलफ वक्ती तौर पर फायदा देने वाली अद्वियात हैं इनसे निजात हासिल करें और बीमारी से इस शुगर जैसी मूजी मर्ज से निजात हासिल करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।